तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। हाय फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और ये है हमारा सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन का पार्ट 7 और एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति जो कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए की मूर्ति हमें कहां से मिली है, तो कहां से मिली है? वो हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है फ्रेंड्स, वो मूर्ति मिली है हमें मोहनजोदड़ो से, वो मूर्ति मिली है हमें। अभी चलते हैं कि कासा बनाने के लिए तांबे के साथ है, कासा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात, जो टिन का आयात किया जाता है वो आधुनिक ईरान या अफगानिस्तान से किया जाता था। जब हम कासा बनाते हैं तो हम तांबे में टिन मिलाते हैं, तो जो टिन का आयात किया जाता है वो कहां से किया जाता है? आधुनिक ईरान या फिर अफगानिस्तान से किया जाता है। नेक्स्ट है कि सोने का आयात कर्नाटक और बहुमूल्य, सोने का आयात कहां से होता है? कर्नाटक से होता है। और जो बहुमूल्य रत्न है हमारे, उसका आयात कहां से होता है? गुजरात से होता है। ईरान और अफगानिस्तान से भी किया जाता है। तो सोने का आयात कहां से करते हैं? हम कर्नाटक से करते हैं। और बहुमूल्य रत्न है उसका आयात कहां से करते हैं? गुजरात से करते हैं और ईरान और अफगानिस्तान से भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कच्छ के इलाकों में खादीरबेट, एक खादीरबेट नाम की कोई जगह है के किनारे धोलावीरा नगर बसा है। देखिए हड़प्पा सभ्यता थी उसी से रिलेटेड है ये, कि ये पूछा जाता है कि धोलावीरा नगर कहाँ बसा है, तो गुजरात में है ये, कच्छ के इलाकों में खादीरबेट नामक स्थान पे है। तो कहाँ पे है फ्रेंड्स? धोलावीरा गुजरात में है, कच्छ के इलाकों में है और खादीरबेट नामक स्थान पे है। नेक्स्ट है कि धोलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया, इसको तीन भागों में बांटा गया है। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा लोथल नगर। तो कहां बसा है लोथल नगर हमारा? गुजरात की जो खंबात की खाड़ी है हमारी, वहां पर साबरमती नदी की एक उपनदी के किनारे बसा हुआ हमारा लोथल नगर है। तो गुजरात में हमारा धोलावीरा नगर भी आता है और गुजरात में हमारा कौन सा आता है? लोथल नगर भी आता है। लोथल कहां बसा है? साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा है। और खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी मिलती है जाकर? हमारे साबरमती नदी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है मुद्राकण और मोहरबंदी, मुद्राकण और मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाव से उनकी छाप डालते, जैसे हम स्टैंप लगवाते हैं सेम ऐसे गीली मिट्टी पर दबाव से छाप डालते थे, उसको मुद्राकण या फिर मोहरबंदी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोथल एक बंदरगाह था, लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। कहां था ये? गुजरात में था। और किस नदी की? साबरमती की एक उपनदी थी, उसके किनारे था यहाँ। और यहाँ पर मनके बनाने के कारखाने, देखिए एसएससी का भी ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ है, तो मनके बनाने के कारखाने लोथल गुजरात में है और लोथल क्या है हमारा? एक बंदरगाह है। नेक्स्ट आता है पिरामिड, आपने सब ने सुना होगा जो सात अजूबे हैं हमारे विश्व के, उसमें मिस्र के पिरामिड भी आते हैं। तो पिरामिड कहाँ है? मिस्र में है। और राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर, जब यहाँ के राजा मर जाते थे तो उनको इन्हीं पिरामिडों के नीचे दफनाकर क्या किया जाता था? सुरक्षित किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इसमें खाद्यान्न पेय वस्त्र गहने जानवर आदि शामिल, इनके शवों के साथ में ये सब चीजें भी रखती थी। और कभी कभी क्या करते थे? शव के साथ में उसका सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। ये क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी से लिया हुआ है कि मिलान करना है कि तांबा हमें कहाँ मिलता था, तो हमने पढ़ा था तांबा कहाँ है हमारा? राजस्थान में है तांबा। और सोना कहाँ मिलता है, तो ये भी हमने पढ़ा था कर्नाटक में है। टिन कहाँ मिलता है, ये भी पढ़ा था। और बहुमूल्य पत्थर कहाँ मिलते हैं, तो ये सारे हम ऊपर वीडियो में पढ़ चुके हैं, ये आपको इससे मिलान करना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे वेद, हमारे पौराणिक ग्रंथों में आते हैं हमारे वेद। और वेद कितने हैं हमारे? चार वेद है। कौन कौन से है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ऋग्वेद में क्या होता है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, बेसिकली संस्कृत भाषा से रिलेटेड है ये, और इसमें सुक्त वगैरह है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक बोलते हैं। अथर्ववेद में जादू और टोना है और यजुर्वेद में युद्ध वगैरह से संबंधित वेद है हमारा। नेक्स्ट आता है सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद कौन सा वेद है हमारा? सबसे पुराना वेद है। और वेद कितने होते हैं हमारे? चार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। कब हुई थी? 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना की गई थी। और इसमें
1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं। देखिए क्या है, 1000 से ज्यादा प्रार्थना है और इसको क्या बोलते हैं, सुक्त बोलते हैं। तो ऋग्वेद में सुक्त आते हैं और सुक्त क्या है कि इसमें 1000 से ज्यादा भी प्रार्थनाएं होती है। अभी सुक्त का मतलब क्या है, तो अच्छी तरह से बोला गया, क्या है, अच्छी तरह से जो बोला गया होता है उसको क्या बोलते हैं, सुक्त बोलते हैं। और इसमें तीन महत्वपूर्ण देवता हैं जिसका उल्लेख किया गया है, अग्नि इंद्र और सोम देवता का उल्लेख किया। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, 3500 साल पहले इसकी रचना हुई थी, 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं और जिन्हें क्या बोलते हैं, सुक्त बोलते हैं। और सुक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। और तीन प्रमुख देवता है इसके, अग्नि इंद्र और सोम। अभी अग्नि किसके लिए होता है, तो देखिए अग्नि किसके नाम से जाना जाता है, आग का देवता बोलते हैं। इंद्र को युद्ध का देवता जाना जाता था और सोम क्या होता था, एक पौधा होता था जिससे कि खास पेय पदार्थ बनाया जाता था। अभी आगे आता है इसमें कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी, हमारे जो ऋषि मुनि थे तो ऋषियों ने वैदिक प्रार्थनाओं की रचना की थी। और ऋग्वेद की भाषा कैसी है, प्राक है, संस्कृत है और वैदिक संस्कृत कहलाती है। क्या क्या कहलाती है, प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत हमारे ऋग्वेद की भाषा कहलाती है। नेक्स्ट है कि संस्कृत भाषा, देखिए संस्कृत भाषा हमारे भाषा परिवार है और उसमें से जो हमारी संस्कृत भाषा है, जो हम सबसे प्राचीनतम भाषा भी है, ये कौन सी है, भारोपीय, यानी भारत और यूरोपीय भाषा परिवार की भाषा। कौन सी भाषा परिवार की भाषा है, ये भारत और यूरोपीय भाषा परिवार की भाषा है। सेम ऐसे ही असमिया, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी और गुजराती और एशियाई जो भाषाएं हैं वो भी हमारी कौन से भाषा परिवार की भाषाएं हैं, ये हमारे, ये भी भारतीय भाषा परिवार की भाषाएं, यानी भारत और यूरोपीय भाषा परिवार की ये भाषाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पूर्वोत्तर प्रदेश। देखिए जी ऐसे अगर हम इंडिया का मैप बनाते हैं तो इस साइड में कौन सा आता है, हमारा ईस्ट आता है। तो इधर जो स्टेट्स है हमारे, सिक्किम वगैरह के जो स्टेट्स है वो हमारे पूर्वोत्तर भारत में आते हैं। तो जो पूर्वोत्तर प्रदेश है उसमें तिब्बत और बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। अब तिब्बत क्यों, क्योंकि वहां पे इधर क्या है, हमारा तिब्बत है और इधर क्या है, हमारा बर्मा है। तो तिब्बत और बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है वहां पे। और तमिल और तेलुगु, देखिए ये साउदर्न जो स्टेट्स है हमारे ऐसे नीचे के, उसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, तमिल बोली जाती है बेसिकली, आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, तमिलनाडु में है ज्यादातर ये, और आंध्र में भी थोड़ी थोड़ी बोली जाती है, तेलुगु ज्यादातर आंध्र में बोली जाती है, कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है और मलयालम केरल में बोली जाती है। और ये कैसी भाषाएं हमारी, ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। और झारखंड और मध्य भारत में हमारे आ जाते हैं, मध्य प्रदेश आ जाता है, झारखंड आ जाता है, ये स्टेट्स हमारे मध्य भारत में आते हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रो एशियाटिक, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। तो ये हमने भाषा परिवारों के बारे में पढ़ा। अब एक ऋग्वेद का उच्चारण किया जा सकता है, जो ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है इसका क्या कर सकते हैं, हम उच्चारण कर सकते हैं, श्रवण किया जा सकता है, यानी इसे सुना जा सकता है, ना कि पढ़ा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां थी। कौन सी नदियां थी प्राचीन काल में, व्यास और सतलुज थी, जो कि ऋषि और देवियों के रूप में पूजित थी। नेक्स्ट आता है कि ऋग्वेद में प्रार्थनाओं में दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और सहायक, यानी ऋग्वेद में किस किस का जिक्र किया गया है, सरस्वती नदी का, सिंधु नदी का और उनकी जो सहायक नदियां हैं उसका वर्णन किया गया है। गंगा और यमुना, देखिए जो हमारी बहुत बड़ी नदियां हैं दो, गंगा और यमुना, इनका जो वर्णन किया गया है वो सिर्फ एक बार किया गया है। तो काफी इंपोर्टेंट, ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी दो नदियां हैं जिसका ऋग्वेद में सिर्फ और सिर्फ एक बार वर्णन किया गया है। तो कौन सी नदियां हैं हमारे, वो गंगा और यमुना नदी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पुरोहित। पुरोहित क्या थे, तो देखिए जिन्हें कभी कभी क्या कहा जाता था, ब्राह्मण भी कहा जाता था, और ये यज्ञ करवाते थे और अनुसंधान करवाते थे। तो पुरोहित क्या थे, कभी कभी ब्राह्मण कहते थे और यज्ञ और अनुसंधान करवाते थे। अभी नेक्स्ट आता है जन शब्द। देखिए जो एसएससी के कैंडिडेट्स होंगे इवन सबको पता होगा ये, तो जन क्या है, कि जन क्या होता है, इसका प्रयोग हिंदी में और अन्य भाषाओं में किया जाता है और विश और वैश्य शब्द से निकला है ये। और ऋग्वेद में विश और जनों के नाम भी मिलते हैं, जैसे पुरुजन यानी भरत जन, जो भरत कुल के लोग थे उनको भरत जन कहा जाता, पुरुजन जो पुरु कुल के लोग थे वो क्या कहलाते थे, पुरुजन कहलाते थे। अभी नेक्स्ट है कि जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे खुद को आर्य कहते थे। क्या कहते थे, उनको आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दास और दशयु कहते थे। और दशयु वे लोग थे जो यज्ञ में भाग नहीं लेते थे। तो जिसने प्रार्थनाओं की रचना की वो खुद को क्या कहते थे, आर्य कहते थे, अपने विरोधियों को दास और दशयु कहते थे, और दशयु वो लोग थे जो कि यज्ञ में हिस्सा नहीं लेते थे। नेक्स्ट है कि महापाषाण, यानी जो हमारा महापाषाण कब्रें थी उसकी जो प्रथा है वो लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी, और ये प्रथा दक्कन में, दक्षिण भारत में और उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में प्रचलित थी।
नेक्स्ट आता है ब्रह्मागिरी। ये ब्रह्मागिरी आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मागिरी में एक व्यक्ति की कबर में 33 सोने के मनके, कितने सोने के मनके मिले, 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पे 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, तो कहां मिले थे हमें, ब्रह्मागिरी में मिले थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनाम गांव में भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे, जो इनाम गांव में कहां है, भीमा की सहायक नदी है घोड़, उसके किनारे कौन सा गांव स्थित है, हमारा इनाम गांव स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, आई होप आप सबको सेशन समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो साथ साथ आप लाइक बटन को भी प्रेस करते जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि चरक, चरक हमारे काफी अच्छे क्या बोलते हैं इसको, चिकित्सा शास्त्र में आते हैं ये, इन्होंने चरक संहिता में बताया कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती, कितनी हड्डियां बताई इन्होंने, 360 बताई है। नेक्स्ट की जो वेदों की रचना का प्रारंभ कब हुआ था, लगभग 3500 साल पहले वेदों की रचना का प्रारंभ हुआ था। महापाषाणों के निर्माण कब हुआ था, लगभग 3000 साल पहले हुआ था। और इनाम गांव कहाँ स्थित है, ये भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे है और लगभग 3600 से 2700 साल पहले हुआ था। और चरक लगभग 2000 साल पहले हुआ था। और जो चरक है, इन्होंने चरक संहिता में क्या बताया, कितनी हड्डियां होती है हमारी बॉडी में, 360 बोन्स होती है, 360 हमारी बॉडी में हड्डियां होती है। नेक्स्ट पॉइंट ही क्वेश्चन है, इनका भी आपको मिलान करना है कि सुप्त क्या है, तो सुप्त हमने पढ़ा था अच्छी तरह से बोला जाता है, रथ कब यूज किए जाते थे, यज्ञ क्या है, दास क्या है हमारे, और महापाषाण क्या है, तो दास क्या थे हमारे, गुलाम है, और बाकी के आप सबको मैच करने हैं इसको। नेक्स्ट के उत्तर भारत में, उत्तर भारत आता है जो हमारा ये कश्मीर वाला ऐसा ऐसा पोर्शन है जो इंडिया का, और ये इसके जो साइड में ये जो वाला हिस्सा आता है ये मौसमी उत्तर भारत में ही आता है खासकर, और गंगा और यमुना के क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए थे, बहुत सारे ग्रंथ रचे गए थे उत्तर भारत में, और कहाँ पे रचे गए थे, वो गंगा और यमुना के क्षेत्र में रचे गए थे। तो ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये क्या कहलाते थे, उत्तर वैदिक, यानी ऋग्वेद के बाद इनकी रचना की गई थी तो इनको उत्तर वैदिक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि सामवेद, यजुर्वेद और आदि क्या है, ये हमारे उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाते थे। नेक्स्ट है कि जो पुरोहित थे हमारे, यानी जिनको कभी कभी ब्राह्मण भी कहते थे, यज्ञ और अनुसंधान करवाते थे वो, उन्होंने लोगों को चार वर्णों में बांटा था। सबसे पहले आते थे ब्राह्मण, ये क्या करते थे, वेदों का अध्ययन करते थे और अध्यापन करवाते थे और यज्ञ करवाते थे। नेक्स्ट आता है हमारा क्षत्रिय, क्षत्रिय कुल के लोग क्या करते थे, युद्ध करते थे और लोगों की रक्षा करते थे। वैश्य, ये बेसिकली बनिया वगैरह बोल सकते हैं हम, कृषक होते थे, पशुपालक होते थे और व्यापारी होते थे। नेक्स्ट आते हैं हमारे शूद्र, तो शूद्र क्या करते थे, इनका काम था जो तीनों वर्ण है उनकी सेवा करना, और इन्हें कोई अनुसंधान करने का अधिकार नहीं था। और थी जो उस टाइम पे जो औरतें थी हमारी, उनको भी शूद्रों की तरह ही माना जाता था। नेक्स्ट है कि महिलाओं और शूद्रों को, देखिए जो महिला थी और शूद्र थी जो कि तीनों वर्णों की क्या करते थे, सेवा करती थी, उनको वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था, यानी जो वेद है हमारे उनका अधिकार उनको नहीं था पढ़ने का। नेक्स्ट है कि महायज्ञों को करने वाले राजा, अब जन के राजा नए होकर जनपद, जो महायज्ञ करते थे जैसे अश्वमेघ यज्ञ करते थे, जो बड़े बड़े यज्ञ करते थे वो राजा सिर्फ जन के नए लेकर जनपदों, यानी काफी जन जब मिल जाते थे तो उसको जनपद कहते थे, उसके राजा माने जाते थे। और दिल्ली में हमारा क्या है, पुराना किला स्थित है, अभी केबीसी में भी हाईलाइट किया गया है इसका क्वेश्चन पुराने किले का, इसका पश्चिमी द्वार कहाँ खुलता है, इमेज दिखा के किया गया था ये। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में हस्तिनापुर है, आप सबने देखा होगा ये, तो जो यूपी के हैं, और इटा में अंतरंजी खेड़ा है, ये प्रमुख है जो उत्तर वैदिक काल की सभ्यताएं हैं। अब नेक्स्ट आता है चित्रित घुसर पात्र क्या है, देखिए इसमें ज्यादातर थालियां और कटोरियां होती है, और ये क्या होते हैं, पतली सतह की सुंदर और चिकनी होती है, पतली सतह होती है सुंदर और चिकने होते हैं, और इन पर जो आमतौर पर डिजाइन होते हैं वो क्या होते हैं, सरल रेखीय और ज्योमेट्रिक जो पैटर्न्स होते हैं हमारे वो बने होते हैं। अभी महाजनपद क्या है, कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे उनको महाजनपद के नाम से जाना जाता है। और जो प्राचीन काल में हमारा भुगतान होता था वो होता था आहत सिक्कों से होता था, किससे होता था भुगतान हमारा, आहत सिक्कों से होता था। कौसाम्बी का किला कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही है, उत्तर प्रदेश में हमने पढ़ा मेरठ के पास हस्तिनापुर भी है, और उत्तर प्रदेश में कौसाम्बी का किला है, और ये कहाँ है हमारा, इलाहाबाद के पास में है। अभी कर क्या है, तो कर के बारे में पढ़ेंगे, देखिए कर भाग होता है इसको, कि जो फसल पे लगाया जाता था कर वो क्या होता था, कि वो जो उपज होती थी उसका कितना हिस्सा लेते थे, 1/6% लेते थे। कारीगरों से क्या करवाया जाता था, श्रम के रूप में कर लेते थे। पशुपालकों से क्या करते थे, जानवर या फिर उसके जो उत्पाद होते थे उसके रूप में कर लेते थे। व्यापारियों से सामान खरीदने और बेचने पर कर लेते थे। और आखेटक क्या होते, जो हमारे शिकारी होते उनको आखेटक के नाम से जाना जाता था।
और जो संग्राहक यानी जो जंगल की वस्तुओं को संग्रह करते थे उसी में आते थे। इससे क्या करते थे कि जो फॉरेस्ट में यानी जंगल में जो जो चीजें उनको मिलती थी उसके रूप में ये कर लेती थी। नेक्स्ट आता है मगध, काफी इंपोर्टेंट राज्य था हमारा। तो ये क्या था, गंगा और सोन नदी बहती थी। कौन कौन सी नदियां थी यहाँ पे, गंगा और सोन नदी थी। और दो शक्तिशाली राजा थे यहाँ के, बिंबिसार और अजातशत्रु। अजातशत्रु को पुणिक के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है कि बिहार में राजगृह, देखिए राजगृह बिहार में स्थित है और ये क्या था कि मगध की राजधानी थी काफी दिनों तक। तो मगध कहाँ स्थित था, सोन और गंगा नदी के पास स्थित था ये। और क्या था कि यहाँ की जो राजधानी थी वो बिहार में राजगृह थी। दो शक्तिशाली राजा थे यहाँ के, बिंबिसार और अजातशत्रु यहाँ के शक्तिशाली राजा थे। अभी नेक्स्ट आता है कि बाद में पाटलिपुत्र पटना, जो पाटलिपुत्र पटना थी उसको इसकी राजधानी बनाया गया। पहले राजगृह राजधानी थी, वो बाद में चेंज करके क्या बनाया, पाटलिपुत्र पटना को बनाया। नेक्स्ट आता है कि 2300 साल पहले मैसिडोनिया, मैसिडोनिया के राजा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और वो क्या करना चाहते थे, विश्व विजय करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वो भारत में आए तो क्या हुआ कि उसके सैनिकों ने व्यास नदी को पार करने से इंकार कर दिया और फिर वो वापस चले गए और 336 के अराउंड या 326 के अराउंड उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वही है ये कि उन्होंने मगध को कूच करना चाहे बट उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया, क्योंकि भारतीय जो सैनिक थे उसके पास में क्या थी, पैदल सेना भी थी, रथ भी थे और हाथियों की भी एक बहुत बड़ी सेना थी। नेक्स्ट है कि मगध के राज्य नजदीक ही कौन सा राज्य था, हमारा वज्जी राज्य था। और मगध के दो महत्वपूर्ण राजा कौन कौन से थे, हमारे बिंबिसार और अजातशत्रु थे। पहले इसकी राजधानी क्या थी, हमारी राजगृह थी, बाद में इसकी राजधानी क्या बनी, पटना बनी। और जो वज्जी राज्य था उसकी राजधानी क्या थी, वैशाली भी कहाँ थी, बिहार में ही स्थित थी। अभी देखिए यह एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे क्या कहते थे, गण या संघ कहते थे। गण क्या था, अभी हमारा कई सदस्यों वाले समूह थे, और संघ क्या था, हमारा संगठन या सभा थी। गण और संघ में बहुत सारे शासक होते थे, ये स्त्रों के क्या करते थे, बहुत सारे शासक होते थे। जैसे छोटे छोटे जगह है वहां के शासक अलग होते थे, वो क्या करते थे, जब कोई भी हमला होता था तो उसके निपटने के लिए आपस में चर्चाएं करते थे। जहां जहां उनके जिस जगह पे वो शासन कर रहे हैं वहां की जो समस्याएं होती थी उसको आपस में मिलकर सुधार करते थे। लेकिन यहाँ जो सभाएं होती थी उसमें स्त्रियां और जो दास थे वो और जो कर्मकार थे वो इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। जैसे शूद्र और स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, सेम ऐसे यहाँ भी स्त्रियां, दास और कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। नेक्स्ट आता है कि जो बुद्ध और महावीर है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले वीडियोस में हम डीपली पढ़ेंगे इनके बारे में। जो बुद्ध और महावीर थे ये दोनों ही गण और संघ से संबंधित थे। और वज्जी संघ का वर्णन दीर्घ नियाक में मिलता है, और दीर्घ नियाक क्या है, हमारा ये प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ भी है और इसमें भगवान बुद्ध ने जो व्याख्यान दिए थे, जो उपदेश दिए थे उसका वर्णन किया गया है। अभी आ जाता है अजातशत्रु कौन से थे, वज्जी संघ में थे। और वज्जी संघ की राजधानी क्या पढ़ी हमने अभी, वैशाली यहाँ की राजधानी थी। तो ये वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे और इनके मंत्री थे वशकार मंत्री थे, उन्होंने इसको बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। और बाद में जो गुप्त शासक थे हमारे, उन्होंने भी गण और संघ पर विजय प्राप्त की। और लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की थी जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहा जाता है। तो प्रजातंत्र और गणतंत्र की स्थापना कहाँ के लोगों ने की थी, तो वो एथेंस के लोग थे, उन्होंने किसकी स्थापना की थी, प्रजातंत्र और गणराज्य की स्थापना की थी।